हेलो गाइस, वेलकम टू आशीष पाठशाला। देखिए, थोड़े दिनों से काफ़ी मिस्टेक्स चल रही हैं और काफ़ी क्लासेस हो भी नहीं पाई हैं। उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि देखिए बीच में जो सर की शादी आ गई थी, उससे पहले टेक्निकल मिस्टेक की वजह से मेरी दो क्लासेस रिमूव हो गई। आपको पता है, लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का, लेक्चर नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री का, दोनों रिमूव हो गए। फिर मैंने वो फाइल्स ढूंढी जा करके, तो मुझे वो फाइल्स भी नहीं मिल पाई। तो इस वजह से काफ़ी इश्यूज़ आए बीच में। फिर सैटरडे संडे आया, फिर सर की शादी की वजह से बिज़ी हो गए काफ़ी, तो क्लासेस नहीं हो पाई। बट आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। देखिए, ये मेरा एक बैकअप क्लास है, जो कि आपका लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 जो डिलीट हुए थे, उसके ऊपर बिल्कुल आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। जो पहली बार देख रहा है, काफ़ी अच्छी बात है, जिसने देख लिया उसका जल्दी से मैं रिविजन करवा देता हूँ। और बाकी आपकी क्लासेस रेगुलर रहने वाली है, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जैसा मैंने आपको वादा किया था, सब कुछ होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, मेरी ये ईमेल आईडी है doubt.abhijit@gmail.com, ठीक है। आप लोग 19 वाले हैं, जितने भी मैं आपको एज ए फैमिली ट्रीट करता हूँ। तो जितने भी आप अपना अलग से लिख सकते हैं कि आशीष पाठशाला वाले बच्चे हैं, आप लोग अपना मेल में मेंशन करना कि आशीष पाठशाला, और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ मेल करिए, ठीक है। तो मैं आपका डाउट्स का अलग से सेशन लेके, या फिर हर सेशन में आपका एक कोशिश करूँगा एक ना एक बच्चे का डाउट क्लियर कर सकूँ आपके सामने। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बेसिक बेसिक दो बता दिया, रिवीजन के तरीके से बैकअप नंबर क्लासेस नंबर 3 और 4 है। आज देखिए, इसमें हम लोग बात कर चुके हैं वैसे तो, राइट एंगल ट्राइंगल, टी रेशियोज और क्वाड्रेंट, इन तीन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए आपको पता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें एक एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर ये त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? आप बोलेंगे सर 180 डिग्री होता है। यदि ये एंगल थीटा होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये कितना होगा? आप कहेंगे सर ये 90 माइनस थीटा होगा। तभी जो जोड़ने के बाद 180 डिग्री बनेगा। अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो 90 प्लस थीटा और थीटा कट जाएंगे, 90 प्लस 90 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको ये समकोण त्रिभुज की और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन राइट नाउ आई एम कंसर्न्ड विद ओनली ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ आपको यूज़ नहीं करनी प्रॉपर्टीज़, आपको सिर्फ थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, मेरे को आपको बताना है कि कर्ण, लंब, आधार, ये कैसे कैसे होते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे कहीं पे थीटा है, तो देखिए इस एंगल के जस्ट सामने ये आपका होता है परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। और देखिए, जिस भुजा के साथ ये थीटा बन रहा है, जिस भुजा के साथ ये थीटा बन रहा है, इसे हम बोलते हैं आधार, जिसे आप बोलते हैं बेस। और देखिए, 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है आपका कर्ण, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और देखिए, ऐसे ही अगर ये सेम, ये देखिए जो अपने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और जो बेस है, ये आपने इस थीटा के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें, इस थीटा के संदर्भ में ये तीनों चीज़ें, तीनों चीज़ें बदल भी जाती हैं। हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम रहता है, ये दोनों बदलते हैं आपस के अंदर जब थीटा बदल जाएगा। किस तरीके से? अगर मैं बोल दूँ कि अब मेरा थीटा यहाँ पे है, ये मेरा थीटा है, 90 डिग्रीज है, तो इसके जस्ट सामने अब यहाँ पे इस टाइम पे ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये लंब होगा। जिस भुजा के साथ ये एंगल बना हुआ है, ये होगा आपका बेस यानी कि आधार। और 90 के सामने आप क्या होगा? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ठीक है। तो आपको इतनी सी क्लियर सी छोटी सी बात है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, और मैं आप ट्रिग्नोमेट्री में आपको काफ़ी कूल चीज़ें बताने वाला हूँ। आपने मेरे माई पाठशाला की क्लासेस में देखा है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे करता हूँ। मैं थीटाज की वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 10 साइन 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, ये भी मैं आपको याद करवा दूंगा, जो आपको cos भी वाले फॉर्मूले से राहत मिल जाएगी। आपको इतनी सारी चीज़ें करनी ही नहीं है, आपको वैल्यूज याद रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए, डायरेक्ट डालिए, आंसर निकालिए, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, जिसमें आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होता है, आधार क्या होता है, करण क्या होता है। और आपको ये भी पता है पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है किस तरीके से होती है पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है कि अगर ये पाइथागोरस है तो ये 90 डिग्री, अगर ये परपेंडिकुलर ये बेस है, अगर ये थीटा है तो ये हाइपोटेनियस है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है करण का स्क्वायर, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तरीके से निकल के आई है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स क्या क्या याद होने चाहिए। देखिए, अगर ये 3, 4 और 5, ये ट्रिपलेट है, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके होता है? 5 का स्क्वायर। तो एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट यानी कि एक सेट है। और ट्रिपलेट से देखिए, बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। और देखिए, इसी का अगर मैं इन सबको एक किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ कॉन्स्टेंट, तो ये भी ट्रिपलेट होगा। 3 × 6 हो गया, 3 × 2 हो गया 6, 4 × 2 हो गया 8, 5 × 10 हो गया, यानी कि 6, 8, 10, ये भी आपका क्या बन रहा है? ट्रिपलेट बन रहा है। इसी तरीके से आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें, अगर आपने 3 से किया तो 9, 12, 15, ये भी आपका एक ट्रिपलेट है, ठीक है। और देखिए, इसी के अलावा आपको जो बेसिक बेसिक ट्रिपलेट याद रखना है, आप 5, 12, 13 वाला याद रखना है, 7, 24, 25 याद रखना है, 9, 40, 41, ये भी आपको याद रखना है।
तो देखिए ये जो बेसिक से ट्रिपलेट्स हैं और भी काफ़ी सारे ट्रिपलेट्स हैं, तो आप इनको एक बार देख लेना। ट्रिपलेट्स के ऊपर आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जिसमें आप लोग ट्रिपलेट्स को अच्छे से उसके यूज़ कर पाएंगे और बेसिक सी चीज़ें आप सीख पाएंगे, ठीक है। और देखिए ट्रिपलेट्स का वैसे यूज़ कुछ है नहीं इतना कुछ खास, और इस तरीके से अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है, 5√x + 12√x = 13 की पावर 2, सो आपको बताना है, बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है 5, 12 और 13 ये क्या बनता है, ये 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट बनता है, यानी कि आपको ये भी पता है कि 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू में क्या रखूँ जो मेरे को ये 2 मिल जाए, तो आप बोलेंगे सर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सी ट्रिपलेट के ऊपर मैंने छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिया है, और बेसिकली ये प्रैक्टिस सेशन है, क्वेश्चन पर हम लोग सेशन अलग से लेंगे। इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा, इतने अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, आप कहेंगे कि सर मज़ा आ गया, ऐसी चीज़ें कहीं नहीं देखी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए टी रेशोज़ की बात करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ की बात करता हूँ। देखिए पहले जब ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन हुआ था, हर चीज़ें परपेंडिकुलर बटा बेस, आधार, कर्ण इसके फॉर्म में लिखी जाती थी, और चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। तो फिर जो हमारे मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, जैसे साइन थीटा का इन्वेंशन जो इन्वेंट किया था वो किया था आपके आर्यभट्ट जी ने, कॉस थीटा भी उन्होंने किया था, और जो टेन थीटा वो हमारे को इस्लाम धर्म के थे तो उन्होंने किया था, ठीक है, ये आपका इस टेन थीटा उन्होंने इन्वेंट किया था। तो इस तरीके से रेशोज़ को डिफाइन किया गया, और अभी आपको याद भी होगा पाकिस्तान करके आप याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले, या लाल बट्टा काका, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको एज इट इज़ याद रखते हैं, आपको ये ऐसे कैसे फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बाकी देखिए जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ आप सब बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को याद भी रहती हैं। देखिए एग्जैक्टली है क्या, अगर देखिए मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्रीज है, थीटा है, बात को समझना। तो देखिए मेरा अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ, तो देखिए मेरी भुजाएं ए बी सी, आप कहेंगे सर ए बी हो गया परपेंडिकुलर, बी सी आपका हो गया बेस, और आपका जो ए सी है वो है हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए मेरे को साइन थीटा अगर लिखना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए आपके सामने होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका साइन थीटा है, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेनियस हो गया ए सी। इसी तरीके से देखिए मेरे को कोस थीटा लिखना है, तो आप बोलेंगे सर कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मैंने लिख दिया इसके अंदर, तो बेस हो जाएगा क्या बी सी, और हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका ए सी। इसी तरीके से मेरे को टेन थीटा लिखना है, टेन थीटा देखिए क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा क्या ए बी अपॉन ए बी सी, ठीक है, ये आपका टेन थीटा हो गया। और आपको ये चीज़ें अभी पता ही नहीं है मैंने शायद, तो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, इसको आप यहाँ से भी देख सकते थे एच अपॉन बी, एच अपॉन पी, ठीक है। इसी तरीके से सेक थीटा कोस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए सी अपॉन बी सी, और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हैं, ये रेशोज़ हैं, इन रेशोज़ की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ठीक है। और ये क्लासेस जैसे सब बच्चे देख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। ये थीटास की वैल्यू देखिए, अब मेरे पास ये अभी तो मैं बेसिकली आपको यही चीज़ याद करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए शुरू में मैं आपको एक लेवल पे तैयार करने वाला हूँ, ये आपका बिल्कुल 0 लेवल है। अगले लेवल पर जाएंगे तो मैं आपको साइन 10, साइन 15, साइन 20 की भी वैल्यू याद करा दूंगा। आप कहेंगे कि सर आप ये क्या करा रहे हो, लेकिन देखना ये कितनी अमेजिंग चीज़ होने वाली है, ये अभी कोई नहीं कर रहा है, मार्केट में कोई भी नहीं कर रहा है, ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए 0 से लेकर के 90 तक देखिए मेरे को इसको 0 से साइन की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, तो मैंने इसको 0 से 1 तक मैंने इसको डिवाइड किया, और देखिए इक्वल पार्टीशन करें, आप बोलेंगे सर इक्वल पार्टीशन कैसे करेंगे, 1/4 कर दो, 1/2 आपका 3/4, मैंने इक्वल इसको क्या किया डिवाइड कर दिया। देखिए 0 है, ये 25% है, ये 50% है, ये आपका है 75% है, और ये आपका 100% है। तो मैंने इक्वल इक्वल इनको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और साइन थीटा निकालते टाइम देखिए इसी का रूट ले लो, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, 1/2 का 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1। इसी को जस्ट फ्लिप करके लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये एज इट इज़, उल्टा करके मैंने लिख दिया और ये हो गया 0। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है 10 थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, इसको करोगे तो 1/√3, इसको करोगे 1, ये √3, ये आपका नॉट डिफाइंड। कोट थीटा से 10 थीटा का जस्ट 0, तो ये नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, √3 आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। सेक थीटा हो जाएगा आपका कोस का जस्ट उल्टा, 1 का उल्टा 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और कोसेक थीटा इसी तरीके से आप साइन का जस्ट अपोजिट कर लेंगे। तो ये होप करता हूँ, ये देखिए आपने ग्रेजुएशन करी है, आप लोगों ने कॉलेज करी है, स्कूल टाइम में भी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो टेबल्स तो सभी को याद होती है, हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये वैल्यूज मैंने जल्दी में आपको बता दिया, जिस बच्चे को याद नहीं है वो खुद से ये टेबल 2-3 बार बनाने की कोशिश करे, उसको सब कुछ याद आने लग जाएगा। देखिए कॉट 45 की वैल्यू अगर आप इमेजिन कर पाए तो आपको पता चलेगा कॉट 45 1 होता है, सेक 30 होता है, कोस 30 का उल्टा, कोस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3, कोसेक 45 साइन 45 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2, साइन 60 होता है 3√3/2, तो ये 2/√3,
सॉरी ये साइन 60 पूछा था, टू रूट 3/2 ये आ जाएगा सीधा सीधा, टेन जीरो हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक एक्सरसाइज। अब देखिए क्वाड्रेंट्स की बात करूँ, ये पिछले स्लाइड में भी गलत लिखा था, अभी भी गलत लिखा है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए क्वाड्रेंट्स क्या है, आपके कोई भी एक्सिस उसको हमने चार क्वाड्रेंट्स में बांट दिया है। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है। ठीक है, तो इसको मैंने चार भागों में बटा हुआ है, चार प्लेन्स, ये प्लेन्स है, प्लेन को चार पार्ट्स में बांट दिया गया है। ये पहला क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए 360 एंगल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, यानी कि इसी तरीके से आपका क्वाड्रेंट चलेगा, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब देखिए जो बात आपको मेरे को समझानी है क्वाड्रेंट के ऊपर, वो ये है कि देखिए इस क्वाड्रेंट का अगर मेरे को एड्रेस देना है, इस क्वाड्रेंट का अगर मेरे को एड्रेस देना है, तो एक क्वाड्रेंट क्या है, देखिए ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का कोण है ये, तो ये 90 डिग्री से जितना भी छोटा डिग्री कोई भी कोण होगा, 45, 60, 30 सब कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर जस्ट थीटा अगर 90 से छोटा है तो। और देखिए सेकंड क्वाड्रेंट जैसे होगा तो 90 प्लस थीटा बोल सकता हूँ उसको मैं। देखिए इस एक्सिस के बाहर जा रहा है ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, या फिर देखिए इस एक्सिस से इधर की तरफ भी जा रहा है, यानी कि 180 से कम भी है, तो इसको मैं 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं इसको इसको डिफाइन करने लगा, तो आप कहेंगे सर 180 प्लस थीटा या इससे कम, इस वाली लाइन से कम, यानी कि ये लाइन कितनी की है, देखिए ये आपकी 0 की है, ये आपकी 90 की है, ये आपकी 180 की लाइन है, और ये आपकी 270 की लाइन है, तो ये आपका हो गया 270 माइनस थीटा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? और देखिए इस लाइन के अगर मैं इस साइड जाने लगूंगा, तो आप कहेंगे कि सर इस लाइन के साइड अगर आप जाओगे, तो आपको इसको 270 प्लस थीटा लिख सकते हो, या फिर ये 360 माइनस थीटा भी हो सकता है, या 360 को हम लोग जीरो ट्रीट करते हैं, तो ये माइनस थीटा भी यही क्वाड्रेंट होगा। अगर आपको सिर्फ माइनस थीटा मिल रहा है, इसका मतलब ये कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये बेसिकली आपके साइन कन्वेंशन है और आपके एड्रेस है क्वाड्रेंट के, आपको पता होना चाहिए आप कौन से क्वाड्रेंट में किस टाइम पर ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसी अंदर क्वाड्रेंट के ऊपर बेस चीज़ें होती हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा साइन वगैरह, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, वो चीज़ें मैं बात कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करूँ, इसमें कोई भी त्रिभुज की बात करूँ, त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बता दिया। अब देखिए कोई भी थीटा हो, साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोई भी थीटा हो, उसमें मेरे को चाहिए क्या, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, इन चीज़ों पर काम करता हूँ मैं। अब देखिए आप कहेंगे सर अगर ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी रेशो निकालो आप, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोई भी थीटा निकालो, करना आपको इनको आपस में डिवाइड है, कभी परपेंडिकुलर अपन बेस करोगे, कभी हाइपोटेनस अपन बेस करोगे, और हर एक केस के अंदर ये चीज़ें क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक थीटा अपने आप में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं करा चुका हूँ, क्लासेस टेक्निकल ग्लिच की वजह से डिलीट हो गई थी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, इतनी बार सॉरी बोल चुका हूँ मैं, क्लासेस आपकी मैं रेगुलर लूँगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए मैंने कोई भी ट्रायंगल बना दिया, ये थीटा हो गया, आप कहेंगे सर ये जो एक्सिस है ये कौन सी है, वाई एक्सिस है, और वाई कौन सी है, पॉजिटिव है, यानी कि ये तो पॉजिटिव है, और ये देखिए आपके एक्स एक्सिस है, दिख रही है आपको ये वाली, और एक इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, यानी कि ये नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके कौन कौन से थीटास पॉजिटिव होंगे, वो थीटा पॉजिटिव होगा, देखिए हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो देखिए ये जो साइड है ये भी नेगेटिव नहीं है, एक्चुअली साइड पॉजिटिव है, लेकिन ये साइन कन्वेंशन की वजह से इसका डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए जो भी थीटा में बेस नहीं आएगा, जिस भी थीटा में बेस नहीं आएगा, वो थीटा मेरा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। आप कहेंगे सर साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है, यानी साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव हो गया तो कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट उल्टे। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगर आप टेन की बात करें तो टेन में ये बटा ये, यानी कि ये नेगेटिव है, फिर नेगेटिव हो गया, कोट की बात करूंगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, हर कोई नेगेटिव होता चलेगा। उसके अलावा कोस की बात करूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये आपका थीटा हो गया, आपको पता है कि ये वाला जो डायरेक्शन नीचे की तरफ है ये भी नेगेटिव है, ये डायरेक्शन इधर की तरफ है ये भी नेगेटिव है, और ये आपका पॉजिटिव है। तो देखिए ऐसे अब आपको क्या करना है, इस टाइम पे आप कहेंगे सर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे, यानी टेन आपका पॉजिटिव आ जाएगा और कोट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप साइन निकालने की कोशिश करेंगे, साइन थीटा अगर आप निकालेंगे, तो साइन थीटा आपके सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव आ जाएगा, हर कोई नेगेटिव आ जाएगा इन दोनों को छोड़ के। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप कोई भी ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे आपने थीटा लिख लिया, आप चीज़ें चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, देखना कोस और सेक थीटा ही होगा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निकल के आता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ें पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ें नेगेटिव है। इसके आगे देखिए इतनी सेशन हो चुका था हमारा, इतनी क्लासेस हमारी हो चुकी थी, इसके आगे अब जो नेक्स्ट सेशन था उसको भी मैं इसमें मिक्सअप कर देता हूँ। नेक्स्ट सेशन था मेरा ट्रिगो का 37 प्रेजेंटेशन थी। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा लेक्चर बस रिवीजन लेक्चर है, जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी थी उन लोगों के लिए है, और जिसने फर्स्ट वाली देखी थी तो ये वीडियोस तो ये वीडियो तो डलते डिलीट हो गई थी, तो इस वीडियो को आप दोबारा से रिवाइजअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग इसमें करने वाले हैं सुपर हेक्सागन। सुपर हेक्सागन मैंने मेरी लास्ट क्लास में बताया था, देखिए बेसिक सी प्रॉपर्टी सभी को पता है अभी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सभी को इतना पता है।
टेन थीटा क्या होता है आप बोलेंगे सर, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। तो मैंने उसी को ऐसे कैसे लिख दिया है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और देखिए इस अगर यहाँ पे अगर मैं एक एक्सिस मानूँ, देखिए मैं क्या कहता हूँ सर, साइन के अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे सर साइन के अपोजिट होता है कोसेक, साइन के अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है, टेन के अपोजिट होता है कोट, रेसिप्रोकल की बात करूँ तो टेन के अपोजिट कोट, और सेक और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट, तो एक दूसरे के साइड साइड में लिखा है। और देखिए इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये एक्सिस अगर आप माने तो इधर की तरफ तीनों सी हैं, तीनों सी कैसे हैं, कोस कोट कोसेक, और इधर की तरफ बचा कुछ है, ठीक है। तो देखिए आपको ज़्यादा बस एक दो बार इसको बना लेंगे सुपर हेक्सागन को, तो आपको ये तुरंत याद हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, आपको सीधा टाइन इज इक्वल टू साइन, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आपने लिखा टेन साइन कोस, फिर देखिए टेन का जस्ट अपोजिट कोट है, और आपका ये देखिए कोस का अपोजिट सेक है, साइन का अपोजिट क्या है कोसेक है, ठीक है। तो ये छः की छः साइड से होगी, उसके बाद में देखिए आपने बीच में लगा दिया वन, ठीक है, तो आपका क्या बन गया सुपर हेक्सागन, छः कोण का वो है ये जो भी है पॉलीगन है। अब देखिए आपको चीज़ें कैसे याद रखनी है इसके अंदर, देखिए आप देखिए इसमें किसी भी डायरेक्शन से चलिए, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से चल गया, ऐसी कोई डायरेक्शन मैंने पकड़ ली, तो देखिए मेरे पास मेन मेन फॉर्मूला निकल के आ जाएंगे, आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा, वैसे आपको याद भी होंगे, यहाँ से अगर आप चले देखिए साइन से आप चले इस डायरेक्शन में चल रहे, तो साइन से कोस होते हुए वन आओगे आप, तो आपको कहते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा वन। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेंगल की बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ से वन चला, वन प्लस कोट स्क्वायर, ये देखिए वन प्लस कोट स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर कोसेक, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रेंगल की अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे सर टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे अगर इस तरीके से चल रहे तो वन आएगा बराबर किसके आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो बेसिक जीरो लेवल के फॉर्मूलेज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री की जान भी कही जा सकती है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे प्रूव करेंगे, अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये मेरे पास थीटा है, आप कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा क्या होगा, आप बोलेंगे सर साइन थीटा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए बी और ये मैंने सी बोल दिया, या फिर इसको परपेंडिकुलर बाई बेस, तो सर आपका साइन थीटा हो जाएगा, आप कहेंगे सर पी बाई एच, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, प्लस आप बेस का ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाली, बेस का जो स्क्वायर आप करेंगे तो बेस ये सॉरी कोस का स्क्वायर करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर किसके लिखा है वन के बराबर है, देखते हैं होता है या नहीं होता। हाइपोटेनस का स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया और ये हो गया ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी कि इसको मैं एच स्क्वायर लिख सकता हूँ, और एच स्क्वायर और पी ये आपका कट जाएगा दोनों, यानी कि वन आ जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टीज़ को भी आपस में प्रूव कर सकते हैं, बहुत ईजिली प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सुपर हेक्सागन है। इसी के अलावा देखिए इसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें निकल के आ सकती हैं आपके सामने, देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये जो पेयर्स हैं आपके सामने, देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन के सामने आपको दिख रहे हैं, ये आपके अल्टरनेट पेयर्स हैं, जैसे कि जब भी 90 माइनस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका क्या आता है कोस थीटा आता है, या फिर कोस 90 माइनस थीटा है तो क्या आता है, आप बोलेंगे सर साइन थीटा आता है। तो देखिए एक दूसरे में चेंज होते हैं इस तरीके से, और इस डायगनली अगर आप जाएंगे तो एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, डायगनली आप जाएंगे तो एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो आपका साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे देखिए टेन किस पे कन्वर्ट होगा कोट में होगा, और सेक किस में होगा कोसेक में होगा, जब भी आप 90 to 270 इन पे आप कन्वर्जन करने लगेंगे, जो मैं आगे वाली क्लासेज में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, आप बोलेंगे सर टेन 90 माइनस थीटा, देखिए दोनों का ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और इसी तरीके से कोट 90 माइनस थीटा जाएगा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो ये छोटी सी सुपर हेक्सागन है। अब देखिए जो मैंने अभी तक आपको बेसिक जीरो लेवल की चीज़ें बताई है उसके ऊपर बेस थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, जो हर टाइप का क्वेश्चन है मैं कवर कराऊंगा, ईजी हो चाहे टिपिकल हो, हर चीज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी संदेह ना करें कि सर आप छोड़ के चले जाओगे, सर अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, एक साल तक कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप लोगों को मजबूत बना के जाऊँगा। आप जो मेरे 50 लोग हो, आप लोगों के लिए तो स्पेशल ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग बिल्कुल स्पेशल हो, आप खुद ही लिमिटेड 50 स्टूडेंट्स हो जो लाइव आते हैं, और जितने भी आप स्टूडेंट्स हो आप मेल भी कर सकते हैं पर्सनली मेरे को, आशीष पाठशाला आप अलग से डाल देना कि सर आई एम स्टूडेंट ऑफ आशीष पाठशाला, तो मैं उससे रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा, आप लोगों के मेल का मैं रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको इस चीज़ की बतानी है, देखिए मैंने आपको थीटास की वैल्यूज़ बता दी है, तो जो चीज़ें मैंने बता दी है वही चीज़ें यूज़ होने वाली है, थोड़ा सा बस ब्रशअप है ये चीज़ों का। आप कहेंगे सर कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 होता है सर 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा सर 3/2, 3/4 हो जाएगा सॉरी, क्योंकि √3/2 होता है साइन 60, साइन 60 का स्क्वायर करोगे तो √3 से 3 और 2 का हो जाएगा 4, ठीक है। प्लस करना है कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 आप कहेंगे सर 1/4, और आपका साइन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2। माइनस देखिए 10 30, 10 स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर 30 आप कह देंगे सर 1/3, और कोट स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा 1, और माइनस करेंगे किसको इस चीज़ को, तो साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/4,
बटे में कोट स्क्वायर 30, कोट स्क्वायर 30 कितना होता है? आप बोलेंगे सर रूट 3 होता है, यानी कि बटे में 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद से भी करके देखना। अब देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो 4/3 मैं यहाँ लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, 2/3 हो गया। अब देखिए ये प्लस 1/2 हो गया, माइनस 1/3 हो गया, माइनस 1/12 हो गया। 12 एलसीएम ले लो, 8 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 1, यानी कि आपका देखिए 9/12 आ गया। 9/12 को आप लिख सकते हैं 3/4। तो बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें आपको थीटास की वैल्यूज पुट करनी थी, 3/4 आपका इसका आंसर आ गया। अगर देखिए ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, इमेज बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे लास्ट क्लास हुई थी तो मेरी बिगड़ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी एक्सेसिव उस क्लास के अंदर, और मैं इतना अभी यूज़ टू नहीं हूँ व्हाइट बोर्ड के। ठीक है, IFP आजकल बिजी चल रही है, 25 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, जैसे 6/18 खत्म हो जाएगा IFP क्लासेस हमें मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको थीटा या तो उस तरीके से मिल जाएगा या पाई के फॉर्म में मिल जाएगा। अब देखिए पाई क्या होता है, 180 डिग्री होता है, मैंने आपको कन्वर्जन भी सिखाया है। तो पाई बाई 6 क्या होता है, आप कहेंगे सर ये 30 डिग्री होता है। आपको देखिए चीज़ें याद भी होंगी, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, और पाई बाई 6 30 डिग्री, वही चीज़ें हैं। तो हर चीज़ें आप देखिए रखते चले जाएंगे, 1/√2 साइन पाई बाई 6, यानी साइन 30 हो जाएगा 1/2 कोस 45, कोस 45 क्या हो जाएगा 1/√2, कोट पाई बाई 3 यानी कि कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री होता है 1/√3, और सेक सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, कोस 30 का उल्टा। कोस 30 क्या होता है, आप बोलेंगे सर कोस 30 होता है 3/2, तो 2/√3 ये हो जाएगा। प्लस 5 10, 5 10 45 तो 1 हो गया, और 12/12 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपका जाएगा 1/4, माइनस करेंगे 2/3, प्लस करेंगे 5/12। एलसीएम लिया मैंने 12 आ गया, 4 3 12 माइनस 3 4 12 8 प्लस 5, तो ये 8 - 8 आपका क्या हो गया, 0 हो गया। इस क्वेश्चन को भी आप अपने खुद से प्रैक्टिस करिए, देखिए, और मैं आपको प्रैक्टिस सेट अलग से अवेलेबल करवा दूंगा। ये जस्ट एक छोटा सा रिवीजन सेशन है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको बहुत चीज़ें मैं सिखाऊंगा, आपको बिल्कुल विश्वास रखना है, ऐसी चीज़ें आप कहीं नहीं सीखने वाले हैं कहीं भी, मैं सच में बता रहा हूँ, कहीं भी कितना भी पैसा फेंक देना किसी के सामने कोई नहीं सिखाएगा। ये तो आपकी बेसिक आपको लग रहा होगा मुझे आता है, ठीक है, लेकिन इनसे देखना आप क्या क्या चीज़ें निकाल पाएंगे, और आगे जो मैं बताऊंगा वो आप कहीं भी देखने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्री आप इतनी धास हो जाएगी कि आप क्वेश्चन देख के आंसर मार देंगे, चाहे वो CGL 17 मेन्स के क्वेश्चन ही क्यों ना हो, जहाँ पे आप थीटा पुट नहीं कर पा रहे थे वो भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलिए, देखिए ये क्वेश्चन भी छोटा सा मैंने क्वेश्चन ले लिया है। अब देखिए थोड़ी बहुत आपको प्रॉपर्टीज बतानी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात होती है कि थीटा को आपको हमेशा रखना है बराबर, थीटा को आपको हमेशा क्या रखना है, बराबर रखना है। कभी भी आप प्रॉपर्टी लगा दो तो थीटा हमेशा बराबर रहेगा, तभी आप प्रॉपर्टी लगा पाओगे, इस बात को ध्यान से समझिए। अब देखिए कैसे साइन 25 है और एक कोस 65 है, आपको देखिए कोस 65 है, इन दोनों का देखिए सम देखना 90 बन रहा होगा, जब भी आप ऐसे थीटाज मिल रहे होंगे सम 90 बनता है या फिर 180 बनता है या 360 270 ये सम बन रहे होते हैं, या फिर आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है कोस 65 जो है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कोस 90 माइनस 25 तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब कोस 90 - 25 क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये आपका 90 - 25 इस वाला क्वाड्रेंट है, 90 - थीटा, तो इसमें ये नेगेटिव आएगा और क्या आएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा साइन में बदलेगा कोस 90 - थीटा, सुपर एग्जाम्पल में बताया था 90 - थीटा किसमें बदलेगा 20 साइन में, तो साइन 25 माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका सर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इजिली हम लोग सॉरी 90 - थीटा तो सॉरी ये वाला क्वाड्रेंट होता है, क्या बोल रहा हूँ, 90 - थीटा ये वाला क्वाड्रेंट है, 90 - थीटा ये वाला क्वाड्रेंट है, तो आपको ये माइनस माइनस तो लगेगा नहीं, सीधा सीधा कोस किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस, अब देखिए ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर 25, सेम चीज़ है आपकी। और देखिए नीचे में देखिए क्या है, 10 स्क्वायर 70 और कोसेक स्क्वायर 20, कोसेक अब आपको प्रॉपर्टी पता है, आपको पता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी तो आपको पता है। ठीक है, तो ये आपको सेक बदल सकते हो, आप कोसेक बदलता है सेक में, तो आप इसको लिख सकते हो 10 स्क्वायर 70 माइनस सेक स्क्वायर 70। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपका -1 हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इजी इजी चीज़ है। उसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए किस तरीके से होता है, क्वेश्चन आपके सामने चल चुका है। देखिए ये दोनों को देखिए छोड़ के देखिए 90 बन रहा है, आप बोलेंगे सर बन रहा है, यानी कि इसको मैं साइन 47 ही लिख सकता हूँ नीचे, अगर आप 90 - थीटा करके साइन 47 दोनों खत्म हो जाएगा, एक आ जाएगा, प्लस देखिए ये भी खत्म हो जाएगा, एक आ जाएगा, माइनस करेंगे 4 cos² 45, 4 cos² 45 हो जाएगा 4 × 1/2, यानी कि 2, 1 + 1 2, 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0 0, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, और इस क्वेश्चन में क्या है, 10 20 है और कोसेक 70 है, तो देखिए सीधी सी बात है, आपको 10 20 लिखा मैंने, नीचे कोसेक 70 है जिसको मैं सेक 20 कर सकता हूँ, आप बोलेंगे सर कर सकते हो, होल स्क्वायर तो है ही, प्लस कोट 20 है, सेक 70 है इसको मैं कर सकता हूँ कोसेक 20, होल स्क्वायर तो साथ में है ही। ठीक है, अब देखिए 10 20 है और सेक 20 क्या होगा, अब देखिए 10 20 को अगर मैं लिखूँ तो आपका कैसा, साइन अपॉन कोस हो जाएगा,
और सेक 20 क्या होता है? आप बोलेंगे सर कोस ऊपर आ जाएगा, 1/cos होता है तो कोस ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर 20 है। इसी तरीके से देखिए कोट का आप लिखेंगे कोस बाई साइन, और एक साइन नीचे ऊपर आ जाएगा तो एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा। देखिए आप इसको खुद से करके देख रहे हैं, कोसेक को लिख रहे हैं 1/sin, 1/sin साइन ऊपर चला जाएगा, साइन साइन घट जाएगा, तो कोस स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 1 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका 1 बन चुका है। अब देखिए 1 + 2 10 15 45 और 75, अब देखिए 15 और 75 क्या बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, यानी कि देखिए 10 75 को मैं लिख सकता हूँ कोट 15, और कोट 15 10 15 एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों खत्म हो जाएंगे, 10 45 भी एक होता है, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर 3। और देखिए क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार रिवाइज अप कर लीजिए, 90 - थीटा ये होता है, ये 90 + थीटा होता है, या 180 - थीटा होता है, ये आपका होता है 180 + थीटा, या फिर 270 - थीटा, या 360 - थीटा, या 270 + थीटा। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होता है, सॉरी को यहाँ पे आपका कोट और टेन पॉजिटिव होता है, और आपका यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होता है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा देखिए कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्जन देखिए कैसे होता है, आपको बता देता हूँ हर चीज़ें। आपको ये हेक्सागन तो याद आ ही चुका है, ये हेक्सागन जो था यहाँ पे आपका क्या लिखा था, आप बोले थे सर ये टेन इज इक्वल टू साइन बाई कोस, ये आपका कोट था, ये आपका कोसेक था, ये आपका सेक था, तो साइन 90 - थीटा या कोस 90 - थीटा चले जाएगा एक दूसरे में, टेन 90 - थीटा कोट में जाएगा, कोट 90 - थीटा टेन में जाएगा, सेक 90 - थीटा कोसेक में जाएगा, कोसेक 90 - थीटा का सेक में, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। और देखिए इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, और देखिए इसी चीज़ को देखिए, अब मान लीजिए अब आपको पता है कि 110 डिग्री है या 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री को देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन, अगर मेरे को साइन 100 डिग्री निकालनी है तो आप बोलेंगे सर साइन 100 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन 90 + 10, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन 100 साइन 180 - 80, ये भी 100 ही है, दोनों एक ही चीज़ें। अगर आप देखेंगे साइन 90 + 10 भी 100 है, और साइन 180 - 80 भी क्या है 100 ही है, इन दोनों तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए साइन 90 + 10 क्या होता है, आप बोलेंगे सर साइन 90 + 10, 90 तक तो ये एंगल है, 90 + 10 यानी यहाँ आ गया 90 + थीटा, तो साइन 90 + थीटा किस में जाएगा, आप कहेंगे सर कोस में जाएगा, कोस 10, और साइन क्या होता है पॉजिटिव ही होता है क्वाड्रेंट में, तो क्या रहेगा ये पॉजिटिव, ठीक है। उसके अलावा देखिए साइन 180 - 80 करूंगा तो आप कहेंगे सर 180 - थीटा यही वाला क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहता है, और देखिए 180 - 360 पे जो आपका जो रेशो रहता है वो वही रहता है, चेंज नहीं होता, साइन 180 - थीटा साइन ही रहेगा, कोस 180 - थीटा कोस ही रहेगा, टेन 180 - थीटा टेन ही रहेगा, इसी तरीके से 360 के साथ भी केस अप्लाइड है। आपका चेंज एंगल कब कब होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब चेंज होगा, आपका साइन जब भी आपका एंगल 90 डिग्रीज 270 डिग्रीज इस तरीके से चलेगा तभी आप चेंज करेंगे, अदरवाइज वही रहने वाला है, बस आपको साइन ध्यान रखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको 180 - 80 लिख सकता हूँ मैं, और 180 - 80 को आप लिख देंगे सीधा साइन 80, और देखिए कोस 10 और साइन 80 एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं 90 बन रहे हैं, वही तो आप उल्टा लिखते हैं टेबल में, ठीक है। तो ये बेसिक से इंट्रोडक्शन थे देखिए, उसके अलावा देखिए इसके ऊपर मैं क्वेश्चन अगली क्लास में आपको कराने वाला हूँ, सिर्फ क्वाड्रेंट बेस्ड, जिसमें आपने वो क्वेश्चन देखेंगे कोस 270 या 285 लिखा होता है, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं माइनस प्लस का बड़ा झोल होता है, उस वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस सेशन को देखिए जल्दी से रिवाइज अप करिए, कल हमारी क्लास एक और आने वाली है, अमेजिंग क्लास आने वाली है, तब तक के लिए बाय, ठीक है।